हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अतुल गुप्ता और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी लाइफ हैक्स में। तो फ्रेंड्स यार, आज मैं आपको एक सोल्डिंग आयरन बना के दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखता है, एकदम भाई मार्केट की तरह दिखता है, लेकिन भाई मार्केट की तरह पैसे नहीं लगते हैं इसमें, यह बहुत ही कम पैसे में बन के तैयार हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बहुत मजेदार होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सोल्डिंग आयरन को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यार, सबसे सस्ता सोल्डिंग आयरन बनाने के लिए हमें भाई सबसे सस्ता फ्रेम बनाना पड़ेगा सोल्डिंग आयरन का। तो सब आप लोग देख सकते हो भाई, मैंने घर में से कहीं से ढूंढ ढांड के निकाल लिया एक पीवीसी का पाइप। मतलब भाई ये जो घर के छत में जो बिजली फिटिंग का पाइप लगाया जाता है वो वाला पाइप है। तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड, जो इसकी मैंने लंबाई ली है वो 10 सेंटीमीटर रखी है अपने हाथ के हिसाब से भाई, और जो इसकी चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर है। मतलब चौड़ाई नहीं, जो इसका डायमीटर है। और ये पाइप दोस्तों आप लोगों को आपके अपने घर में आसानी से मिल जाएगा, इसलिए भाई पड़ोसी के घर में मत जाना ढूंढने के लिए, भाई आपके घर में मिल जाएगा, कहीं पड़ा होगा कोने में। तो इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो भाई सोल्डिंग आयरन बनाने के लिए भाई सबसे जरूरी है, तो भाई मैंने मार्केट से एक सोल्डिंग आयरन का बीट और एक सोल्डिंग आयरन का एलिमेंट खरीद के ले लिया है। तो आप लोग देख सकते हो ये 25 वाट का एलिमेंट है, जो कि अक्सर भाई सोल्डिंग आयरन के लिए सबसे बेस्ट है मेरे लिए। तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये 45 रुपए का है, लेकिन भाई घंटा 45 रुपए का नहीं मिलता है, ये लोकल मार्केट में 20 से 25 रुपए में मिल जाता है और मैंने इसे 20 रुपए में खरीदा है। आप लोग भी 20 से 25 रुपए में खरीद ही लोगे इसको, मुझे यकीन है भाई, जुगाड़ तो लोगे कहीं ना कहीं से। तो आप लोग देख सकते हो भाई ये कुछ एलिमेंट इस तरीके से दिखता है, और भाई आप लोग ध्यान दो तो इसके ऊपर कुछ है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है, खोलते हैं। तो भाई इसके अंदर एक डायोड है और इसका नंबर है IN4007। एक बात बताओ यार, मुझे पहले से मालूम था कि इसके अंदर डायोड होता है, मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी, अगर ये डायोड हटा दोगे तो भाई ये जो सोल्डिंग आयरन का एलिमेंट होता है बहुत ज्यादा लाल हो जाता है। तो अगर आप लोग वो वीडियो को फुर्सत मिले तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छा वीडियो है वो भी। तो फ्रेंड्स यार, हमने भाई सोल्डिंग आयरन एलिमेंट के साथ साथ ही सोल्डिंग आयरन का बीट भी खरीद लिया है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने पतला वाला बीट खरीदा है, और भाई ये जो है वो ब्रास धातु का है, क्योंकि सोल्डिंग आयरन के लिए भाई ब्रास धातु बहुत ही अच्छा होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और भाई आप लोग देख सकते हो भाई मेरे पास पुराना भी है, तो आपके पास पुराना होगा तो कोई बात नहीं, मत खरीदिए, आपको एकदम सस्ते में सोल्डिंग आयरन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स जो ये मैंने बीट खरीदा है वो मैंने पतले नोक वाला खरीदा है, और ऐसा मैंने क्यों किया है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, तब तक हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी दोस्तों ये जो एलिमेंट है उसको हमें फिक्स करना होगा इस पीवीसी के ऊपर। तो भाई पीवीसी के ऊपर फिक्स करने के लिए हम लोग भाई पीवीसी का ही गोल गोल टुकड़ा काट लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसी पीवीसी पाइप का गर्म करके सीट बना लिया है, और उसका भाई उसके ऊपर गोल गोल इस तरीके से मतलब निशान बना लिया है पहले से ही उसको रख के। तो अब इसको हम लोग काट के निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब तक मैं इसे काट रहा हूं तब तक हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई हमने पतला नोक वाला बीट क्यों खरीदा है, हमने चौड़े नोक वाला बीट क्यों नहीं खरीदा है। तो भाई रीजन एकदम सिंपल है, जो पतला वाला नोक होता है वो हमें छोटे छोटे सोल्डिंग एकदम छोटे छोटे जगह पे सोल्डिंग करने में बहुत ही आसानी होता है, जैसे पीसीबी हो गया, पीसीबी में हम लोग अच्छे से सोल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स चौड़े वाले बीट के साथ हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ वायर को सोल्डिंग करने के काम में आता है। तो आप लोगों को रीजन मालूम चल गया होगा, कुछ नॉलेज भी मिल गया होगा। तो अब भाई ये जो हमारा है मैंने गोल गोल वो काट लिया है, तो अब हम लोग इसे यहां फिक्स करेंगे। लेकिन फिक्स करने से पहले इसमें बहुत कुछ करना है, अभी यहाँ पे होल करना है जिससे कि भाई हम लोग ये एलिमेंट को अंदर घुसा सके। तो भाई आप लोग देख सकते हो ये कितना चौड़ा है, तो उतना चौड़ा हमें यहाँ होल करना पड़ेगा। तो चलिए होल कर लेते हैं, और भाई होल करने के लिए हम लोग किसी नोकीली चीज का यूज करेंगे, उससे होल कर लेंगे आसानी से, ये होल हो जाता है, प्लास्टिक का है आसानी से हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैंने होल कर लिया है, एक बड़ा और एक छोटा, जो बड़ा वाला है उसमें एलिमेंट लग जाएगा और जो छोटा वाला है उसमें वायर लग जाएगा, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए इस एलिमेंट को लगा लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो अभी आप लोग देख सकते हैं एलिमेंट बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जा रहा है, लेकिन अभी उसे हम लोग चिपकाएंगे नहीं। तो अभी दोस्तों हम लोग ये जो पीछे वाला है इसको चिपका लेते हैं, क्योंकि इसका काम नहीं है अभी, तो इसको चिपका लेते हैं। और चिपकाने के लिए हम लोग सुपर ग्लू का यूज करेंगे, उससे भाई एकदम अच्छे से चिपक जाएगा, तुरंत चिपक जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट चिपक चुका है, अब हम लोग इसके अंदर वायर को डाल सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर वायर को डालते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने अपना वायर ले लिया है, और जो ये वायर है उसकी लंबाई 1-2 मीटर है, मतलब भाई मैंने अभी नापा नहीं है एटलीस्ट कितना है, लेकिन 1-2 मीटर है भाई, ज्यादा ही है। तो अब दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हो वायर, कितना बड़ा आपको चाहिए, आप लोग का बोर्ड कितना दूर है और आप लोग उस बोर्ड से कितने दूर हो, मतलब ये सब भाई तय कर लेना, उसके बाद जाके वायर खरीद लेना। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक हीट सिंक सील ले लेंगे, मतलब एक नहीं दो ठे लेंगे, छोटा छोटा ले लेंगे, और इसको दोस्तों हम लोग इस तार के अंदर डाल लेंगे। और फ्रेंड्स इस तार को अंदर डालने के बाद हम लोग इसका वायरिंग कर देंगे, और वायरिंग एकदम सिंपल है, पहला वायर दोस्तों डायोड में जाएगा और दूसरा वायर उसके दूसरे वाले टर्मिनल पे जाएगा। तो भाई ये हीट सिंक सील कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भाई सेफ्टी के लिए इसको हम लोग ले लेते हैं, अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा, इसलिए हम लोग इसे लगा लेते हैं।
इसके बाद चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरे वाले वायर को भी लगा देते हैं और उसको भी हीट सिंक सील से लगा के एकदम अच्छे से टाइट कर लेंगे। और वायरिंग दोस्तों एकदम टाइट करेंगे, और भाई इसके ऊपर सोल्डिंग नहीं होता है इसीलिए मैं सोल्डिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन सा धातु रहता है यार, सोल्डिंग नहीं होता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको भी उस धातु के बारे में मालूम हो तो भाई मुझे भी बता दियो, मैं भी जान जाऊँ कौन सा धातु होता है। कमेंट करके जरूर बता दिए भाई जिसको भाई मालूम हो। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हो हमने ये वायर को एकदम अच्छे से फिक्स कर लिया भाई, अब वो हिलेगा ही नहीं अपने जगह से। इसके बाद दोस्तों हम लोग भाई एक यहाँ पे गांठ लगा देते हैं, क्योंकि भाई दूसरी सेफ्टी सबसे पहले होती है। अभी हम लोग गांठ यहाँ पे लगा देंगे तो ये तार पीछे से खींचेगा नहीं, और खींचेगा नहीं तो वहां से तार उखड़ेगा नहीं, और जब उखड़ेगा नहीं तो आपको बिजली का झटका लगेगा नहीं। तो भाई सबसे पहले हम लोग सेफ्टी की ध्यान रखनी चाहिए, सेफ्टी सबसे पहले भाई। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे वाले को भी चिपका लेते हैं फेविक्विक की मदद से, उससे भी बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा, बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे चिपका लेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम लोग इस एलिमेंट को भी लगा उगा लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों इसे मैंने लगा उगा लिया है, और भाई इसे नट से भी मैंने अच्छे से कस दिया कि ये यहाँ से हिले ना। और भाई मैंने नट से कसा इसलिए कि जब अगर खराब होता है दोबारा आपका एलिमेंट तो आप लोग नट से खोल के आप लोग चेंज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपना बीट ले लेंगे जिसे भाई हमने इसके साथ ही खरीदा था, और भाई मैंने इसका पूरा रामायण बता दिया है कि भाई हमने पतला वाला बीट क्यों खरीदा है, हमने चौड़ा वाला बीट क्यों नहीं खरीदा है। तो अगर कहीं स्किप किए तो भाई छूट गया होगा, इसीलिए कहते हैं स्किप मत किया करो हमारा वीडियो, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग अपना प्लक व्लक लगा लेते हैं, और भाई देख लो क्या मस्त भाई प्लक मैंने लगाया है। तो भाई लाइक तो बनता है इसके लिए, भाई लाइक कर दो जल्दी से। देख सकते हो भाई प्लक व्लक लग गया है, अब हमारा ये जो सोल्डिंग आयरन है वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो भाई कितना कम मेहनत में, कितने कम टाइम में, कितने कम पैसे में ये हमारा सोल्डिंग आयरन बन के तैयार हो गया है। तो आप भाई इसे बोर्ड वोर्ड में लगाते हैं और इसे ऑन कर देते हैं, और देखते हैं कितने देर में गर्म होता है। तो फ्रेंड्स यार इसको गर्म होने में काफी टाइम लगते हैं, तो इसको बस यार बोर्ड में लगा दिए, इसी तरीके से देखते हैं कब तक गर्म होता है, इसको रख देते हैं और उसके बाद देखते हैं इसके काम भाई कैसा काम करता है। पतला नोक वाला भाई मैंने पहली बार खरीदा है, नहीं तो आज तक हमने सब भी चौड़े नोक वाले खरीदे हैं। तो इसको इसी तरीके से रख देते हैं और इसको भाई गर्म होने देते हैं। तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये हल्का हल्का गर्म हो रहा है, लेकिन फ्रेंड्स यार इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो चलिए भाई इसको टेस्ट करते हैं गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो टेस्ट भाई खा पी के थोड़ी नहीं टेस्ट करेंगे, इसको हम लोग इसमें एक सोल्डिंग वायर लगाते हैं और देखते हैं भाई ये पिघलता है कि नहीं पिघलता है। तो अभी दोस्तों ये पिघल नहीं रहा है, तो अभी मतलब ये गर्म नहीं हुआ है, तो अभी और इसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं गर्म होने के लिए। तो फ्रेंड्स यार काफी टाइम हो चुके हैं, अब ये जो हमारा सोल्डिंग आयरन है वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। आप लोग भी देख सकते हो जो ये हमारा सोल्डिंग वायर है एकदम उसको पिघला दे रहा है, आप लोग भी देख सकते हो भाई एकदम तगड़ा वर्क कर रहा है, एकदम ज्यादा गर्म हो चुका है। और ये जो भाई पतला नोक वाला है एकदम मैंने अच्छा किया भाई खरीद के, अब हम लोग छोटे छोटे जगह पे भी सोल्डिंग कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग थोड़ा और रंगा ले लेते हैं इसके अंदर, उसके बाद दोस्तों हम लोग एक वायर को एक मोटर में सोल्डिंग करके देखते हैं सोल्डिंग होता है कि नहीं होता है। उससे पहले दोस्तों हमें वायर में भी थोड़ा सा सोल्डिंग आयरन लगाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स यार हमें एक अच्छा सोल्डिंग करने के लिए हमें दोनों तरफ सोल्डिंग वायर को लगा देना चाहिए, मतलब पेस्ट को जो रंगा होता है उसे लगा देना चाहिए, वायर पे भी लगाना चाहिए, और जो ये मोटर है मतलब जहां भी आप सोल्डिंग करो वहां पे भी लगा देना चाहिए, क्योंकि भाई इससे अच्छा सोल्डिंग होता है। और दोस्तों अगर आपके पास सोल्डिंग आयरन का पेस्ट आता है वो अगर है तो भाई सोने पे सुहागा, एकदम क्लीन सोल्डिंग आयरन होगा, मजा आ जाएगा उससे अगर उससे लगा के सोल्डिंग करते हो। तो अभी फ्रेंड्स वो नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स जो ये सोल्डिंग आयरन का जो सोल्डिंग वायर होता है ना फ्रेंड्स, उसको अगर काटोगे तो उसके अंदर से एक क्रीम निकलता है, वो सोल्डिंग पेस्ट ही रहता है, पतला में एकदम भरे रहते हैं एकदम क्लीन सोल्डिंग करने के लिए। तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई हमने सोल्डिंग कर दिया है, और एकदम भाई नेट क्लीन एकदम सोल्डिंग हुआ है, अब तक का सबसे अच्छा सोल्डिंग हुआ है। तो अगर फ्रेंड्स आपके पास सोल्डिंग आयरन नहीं है तो आप लोग इसे बना लो, कम पैसे में बन जाता है, 20-30 रुपए में भाई आपका ये सोल्डिंग आयरन पूरे अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा पूरा हमारा ये सोल्डिंग आयरन, अच्छा तो लगा ही होगा, कम पैसे में बन जाता है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है, जैसे भाई मार्केट वाला खरीद के लाते वैसे ही वर्क करता है, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा वर्क करेगा, बिजली पे चलता है 220 वोल्ट पे। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।